मौत का एक पैगाम। आज मनोमिट्टी के नीचे दबे मैं अपने ताकतवर जिस्म और खुद जायका शक्ल के बारे में सोच रहा था कि जिसको देखकर अक्सर मेरी गलती के बावजूद मुझसे दो दो हाथ करने को इनकार कर दिया जाता था, और उन हसीन दो शहजाओं के बारे में जो मेरी तरफ खिंची चली आती थी। यहाँ भी मंजर कुछ वैसा ही है। मैं दो हाथ तो ज़रूर हो रहा हूँ, मगर मेरे हाथ नाकिस हैं और मेरे सामने वाला कमज़ोर होने के बावजूद मुझसे पालक है। वो ललचाई नज़रों से मेरी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, मगर हकीकत में ये मुझसे अपना हक मांग रहे हैं। मैंने तो सुना था यहाँ हिसाब किताब का मंजर होगा, मगर ये कैसा हिसाब है? इनकी खुराक मैं तो नहीं, तो फिर क्यों? आज ये धीरे धीरे से मेरे जिस्म के ऊपर रेंग रहे हैं, जो कल को मेरी जूती के नीचे कुचले जाने के डर से बाहर ना आते थे, आज मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे जिस्म की हर प्राइवेसी को अबूर करते जा रहे हैं। वो दालें जिनको मेरे किसान ने अपने खून से सींचा था, इनकी खुराक तो वो है, मैं नहीं, और ना ही मुझे इनकी खुराक में कोई दिलचस्पी है। वो दरख्त जिनको मैं कलम बनाकर अपने ख्यालात से सींचा करता था, उनके रेंगने की जगह वो है, ना कि मेरे दो कानों के दरमियान बनाई गई गुफा जिसमें ये अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये नादान भी मेरी तरह मौके का फायदा उठाते हुए मर जाएंगे, और ताकतवर अपना फायदा उठा जाएगा।